हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, भारत से वापस लौटे पाकिस्तानी जोड़े ने बताई कि भारत पाकिस्तान से कितना आगे है और भारत की जमकर जो है तारीफ की है। तो चलो देखते हैं, वो तो है ही। अब कोई भी पाकिस्तान से आएगा या पाकिस्तान से बैठा रहा, इंडिया की कोई वीडियो देखेगा टूरिज्म से भी रिलेटेड कि न्यूज़ भी देखेगा, तो उसको दिखेगा कि भैया भारत जो है पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुका है और बहुत स्पीड से भी जा भी रहा है। हाँ, और अभी और आगे जाएगा। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा और बहुत डिफरेंसेस नजर आने लग जाएंगे। बिल्कुल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अगर पेड़ भर के खा लेते, लेकिन वहाँ जो एक आम बंदा रह रहा है उसके लिए तो लाइफ बहुत ईजी होगी, अगर मतलब महंगाई के हिसाब से। बहुत जबरदस्त है, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से पूछा यार कि आपकी कितनी सैलरी है, उसने कहा यार 6,000 रुपए। मैंने कहा 6,000 तो बहुत कम। बोले रवि भाई, इसमें से भी 3,000 रुपए हमारे बच जाते हैं, क्योंकि वहाँ सामान सस्ता है, वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से राशन फ्री मिलता है। कुछ ऐसा भी इन्होंने सिस्टम रखा हुआ जिनके दो बच्चे उनको वजीफा दे रहे होते हैं, तो 4 से 6,000 रुपए मंथली उनको एक्स्ट्रा पेमेंट दी है, इस तरह की मिल रही है। ताकि कुछ जगह में शायद बिजली भी फ्री है दिल्ली में या कहीं, मैंने सुना है 200 यूनिट। हाँ, 200 यूनिट उनकी स्टार्टिंग। ये हर दूसरी पाकिस्तानी के वीडियो में ये लोग बोल रहे हैं, ये कि कहाँ कहाँ है ये थोड़ा आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तानी अक्सर वीडियो में और कुछ नहीं पता होगा तो ये जरूर बोलते हैं 200 यूनिट या इतने यूनिट। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों वीडियो क्लिप तो देख ली होगी, ये हैं पाकिस्तान के रहने वाले हिंदू कम्युनिटी के लोग। अब ये भारत आए थे, अब भारत में इन्होंने घूमे फिरे, एक्सपीरियंस लिया, अब वही एक्सपीरियंस समीर भाई को बता रहे हैं। अब समीर भाई जो है इनसे भारत के बारे में अलग अलग बातें पूछ रहे हैं, डिटेल में इनका एक्सपीरियंस जानने वाले हैं। वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के बाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। नमस्ते, जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। और लता दीदी भी हमारे साथ है। नमस्ते दीदी। मेरे ख्याल से सारे हिंदू पाकिस्तानी फ्रेंड, जैसे कि आपने पहले भी हमारा एक वीडियो इनके साथ देखा होगा, और ये लोग जो है इंडिया यात्रा पे गए थे और उस हवाले से जो है काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, इन्होंने अपना शेयर किया था। लेकिन काफी ऐसे कमेंट्स भी आप लोग के आए थे कि यार दोबारा भी एक वीडियो बनाई जाए, लेकिन टाइम मिल नहीं रहा था बीच में, या इनको भी टाइम इतना नहीं मिला, या किसी वजह से जो है दोबारा हम नहीं बना पाए, लेकिन आज मौका मिला है। और उससे पहले, सब चीजों से पहले, रवि भाई का चैनल भी है, तो चैनल के बारे में रवि भाई थोड़ा बताइए। लता रवि यूट्यूब चैनल है हमारा, और आपको उसमें इंडिया की सारी जर्नी हमारी मिल जाएगी, अगर आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। और वैसे भी बता दें नाम, ताकि जो है लता रवि यूट्यूब चैनल, सही। तो उस पे आपको सारी जो वीडियोस मिल जाएंगी, जो जर्नी से हटके भी अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी से रिलेटेड जो है, मैंने भी काफ़ी वीडियोस बनाए, लेकिन ये इन्होंने इतनी ज़्यादा डीप में बनाई हैं और एक एक चीज़ को कवर करते हैं, और डेली जो है, और रवि भाई और जो है लता दीदी दोनों काफ़ी जो है इधर उधर, अक्सर हमें कोई भी ऐसा इवेंट हो कराची में तो ज़रूर नज़र आते हैं, तो मेहनत कर रहे हैं। और हमारी जो है कोशिश भी है कि हम सपोर्ट जितना कर सके, लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और ज़्यादा जो है चैनल जो है ग्रो करेगा, पहले भी आपने किया है। तो रवि भाई, थोड़ा सा फ्लैशबैक में अगर जाएं तो, वैसे अच्छा ये बताएं दोबारा भी जाने का क्या हो कुछ? बस प्रोसीजर में है, देखिए इंशाल्लाह होगा, दूसरी बार यहाँ में मार्च अप्रैल तक का है। अच्छा, मार्च अप्रैल तक का। मार्च अप्रैल इंडिविजुअली अब जाएंगे, पहले तो ग्रुप में गए, ग्रुप से ही जाएंगे क्योंकि अच्छा मिल रहे। अच्छा, मेरे लिए भी काफी लोग पूछ रहे थे यार तुम्हारा क्या हुआ, तो मैं इसलिए रोज होता, वही बात है क्या बात करें, इनविटेशन लेटर जो है मुझे मिल चुका है, ठीक है। अब पर्सनल चीज़ मैं शेयर तो नहीं कर पाऊंगा, और आजकल तो वैसे भी यूट्यूब ने एक पॉलिसी की, आप कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट शेयर करते हो तो उस वीडियो को जो है डिलीट कर देता है यूट्यूब, या आपको वार्निंग दे देता है। तो ये मेरे साथ हुआ था, किसी एक का मैंने पर्सन का इंटरव्यू किया था जो इंडिया से होके आए थे, तो उनके वीजा की डिटेल मैंने शेयर की थी, वीडियो डिलीट हो गई थी, डायरेक्ट मैसेज में ईमेल आ गई थी कि भाई आपने पर्सनल डिटेल क्यों शेयर की। कई लोग कहते हैं यार आप जो वीडियो में डिटेल नहीं देते हो, या कई लोग पिक्चर्स नहीं होती ज्यादा पर्सनल, बहुत वो लोगों ने क्या लेना है, कुछ क्लिप्स वगैरह, कुछ पिक्चर्स वगैरह जो है वो भी शेयर आप लोग के साथ जरूर करूं। तो रवि भाई कैसा रहा था ये एक्सपीरियंस, पहली बार जो है पाकिस्तान से वीजा मिल रहे हैं आने के, कम होंगे वीजा मिला था 20 दिन, हमने वहाँ जब गए तो ऐसा लग रहा था कि जैसे 20 साल हो गए, इतने लोग आए, सारे बहुत अच्छा लगा, वहाँ के लोगों का बिहेव भी बहुत अच्छा था, जिनको पता चलता था कि हम पाकिस्तान से आए तो वो खास तौर पर हमसे मिलते थे और बहुत हमें सपोर्ट करते थे कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो हर तरीके से हमारी फेवर में थे।
और वहाँ का जो हमने देखा, क्योंकि हमारा सफर जो सारा था वो बस का सफर था, ट्रेवलिंग जितनी भी थी हमारी बस, वॉल्वो बस थी आई थिंक, तो उस बस में बैठ कर हमने ट्रेवलिंग की। और सबसे पहले हम पहुंचे थे हरिद्वार, बढ़िया बस है, हरिद्वार से फिर पहुंचे मनसा देवी, मनसा देवी के बाद फिर हम गए दमो, और बहुत अच्छा हमारा इस्तेमाल किया दमो में, और बहुत अच्छा लगा हमें वहाँ। और हम तकरीबन 4 दिन वहाँ रहे, फिर उसके बाद हम गए जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी के भी हमने वहाँ के दर्शन किए, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत अच्छा लगा, वहाँ के लोगों को बिहेव भी बहुत अच्छा तकरीबन, और वहाँ के रोड और जो ट्रांसपोर्ट में देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहाँ हम अभी लग रहा है बहुत पीछे, वहाँ का जो देखे हमने जो रोड और उनका जो ट्रांसपोर्ट देख के, क्योंकि हमारे पास अभी तक वो 70 चल रहा है। अच्छा ट्रांसपोर्ट की रवि भाई आपने बात की, सॉरी कह रहे हमारा तो 70s चल रहा है लग रहा है, ये 70s तक के तो शुरुआत हुई है, मैं रॉन्ग प्रोनाउंस कर रहा हूं, लेकिन मेरे अभी देखना 5-10 साल में यूनियन मिनिस्टर इस वक्त भी मेरे ख्याल में होंगे, क्योंकि बीजेपी से ही है और मोदी गवर्नमेंट जो है, मोदी जी के जो है उनकी मतलब उसमें कैबिनेट में, तो उन्होंने काफ़ी, हमने सुना है कि इंडिया में रोड्स वगैरह हाईवेज वगैरह बनाने में उनका काफ़ी किरदार रहा है, उन्होंने काफ़ी इस पे जो है काम किया है, तो आपने पर्सनली देखा तो मतलब अच्छा। बाकी वो बोल तो रोड्स तो वहाँ में जितना मैं ट्रेवल किया कहीं झटका नहीं है, कहीं झटका है गाड़ी में जो है कहीं भी ऐसा नहीं हुआ, और बहुत अच्छे थे। और दूसरी गाड़ी हो गई, छोटी बाइक इस्तेमाल होती है, बहुत बाइकों की, और वो बच्चियाँ भी चला रही है, तो हमारी और लेडीज वो भी सब किसी के बिल्कुल हैरानगी हो गई मुझे वहाँ जाके देख के, स्कूल पे बच्चियाँ जा रही है, कॉलेज में जा रही है, और साइकिलों पर जाती है बच्चियाँ, वो घर से जो एजुकेशन बहुत हाई लेवल का है, मेरे पास तकरीबन बच्चों को खेलते हुए नहीं देखा, अगर देखा तो किताबें और बैग ले जाते हुए देखा, किसी तरीके से वो पढ़ाई में से आपको बाहर नहीं नजर आएंगे, शाम के टाइम में घूमे वहाँ सारे, मगर हमें बच्चे कहीं भी नजर नहीं आए, जो नजर आते थे मुझे तो स्टडी कर रहे होते थे या बैग लेके कहीं ट्यूशन पे जा रहे होते थे। अच्छा दीदी आप क्या कहेंगे, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएं। पिछले सारे के अलग है, अच्छा लगा मुझे वहाँ के खाने बहुत अच्छे लगे, खाने अच्छे हाँ, लेकिन इसका तो काम ही यही है कि भाई खाने खाने अच्छे लगे, अच्छा खाने बहुत सीख के भी आई हूँ, अच्छा सीख के आई, अच्छा मैं रवि भाई से पूछता हूँ कि रवि भाई जो तजुर्बा कामयाब रहा है या नहीं, जो अभी जो जो हमारे हमारी धर्मपत्नी ने बना के दिखाए ना खाने, वो बहुत बिंदास थे, बहुत आनंद भी थे, हमने कुछ वीडियोस में डाली है उसकी भी, बनाने की भी हमने, मुझे भी भूख लग रही है, यहाँ पे बनाने के ट्राई की, मतलब जो वहाँ के मैंने बिस्किट बनाए, अरे वाह, आपने समीर भाई आपने नहीं देखे बिस्किट, आपने बिस्किट वाली वो वीडियो मैंने चैनल अभी मैंने साग लोग बिस्किट सर्च की, अभी मैंने साग बनाया, अच्छा पराठे बनाए, उसकी रेसिपी बताइए, मतलब दो तीन बनाई अच्छी। वैसे सबसे ज्यादा आपको वहाँ क्या खाने में क्या अच्छा लगा, वेजिटेरियन खाने में क्या अच्छा लगा, पनीर के पराठे अच्छे लगे, मैं तो वही खाती थी, अच्छा रवि जी लोग दूध चाय, आपके एक हमने वीडियो देखी थी रोड साइड पे आप लोग बैठे हुए और कुछ खा रहे हैं, वो क्या खा रहे थे आप लोग, दाल चावल खा रहे थे, टपरी बोलते हैं वहाँ या क्या बोलते हैं, हम तो यहाँ स्टॉल बोलते हैं, वो ढाबा ढाबा तो बड़ा चीज होगा, ये क्या है बड़ा अच्छा लग रहा है, बादाम का दूध टाइप का, रेड़ा ही था, रेड़े के साथ वो वो वहाँ पर चलती थाली, वो 40 रुपए में 20 रुपए की थाली थी, इसमें एक पराठा था और 2 किस्म की सब्जियाँ थी, चावल भी था, तो बहुत मतलब भर जाता है, 20 रुपीज के अंदर एक बंदा जो है 2 खा ले तो ना समझ, बात करते के जो है करेंसी का जो कन्वर्ट करके फिर हम बात करते हैं, 40 रुपए चलो मान लो पाकिस्तानी 130 रुपए बनते, 130 रुपए में यहाँ मिल सकता है, नहीं 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 मिल सकता, और वो असल चक्कर पता है कि वहाँ जो है सारा खालिस था, वो क्योंकि वो गायें हर घर के बाहर गाय बैल यही पालते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हाँ दूध भी इसका निकालते हैं, दही भी इसी से बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, और फिर असली घी भी, तो जहाँ भी आप जाएंगे और जिस रेस्टोरेंट में जाएं या किसी ढाबे में जाएं, वो आपको लाइव ये सारी सर्विस देते हैं, आप जब ऑर्डर देंगे आपके सामने बनेगा हर चीज, तो ये खाने में बहुत मजा आता है, दो 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 लिए उन्होंने चाय, तो बने हुए होते ना पतीले में डाला हुआ होता, वहाँ ऐसा नहीं है, अभी हम जब ऑर्डर लेगा वो हमारे सामने काट रहा होगा, सफा करेगा और बना के फिर आपको फ्रेश देगा, बिल्कुल पोहा भी खाया,
ये कह रहा हूँ कि वहाँ का दूध जो है ना, आप यकीन करें एक दफा पी लेंगे ना तो वो आपको 24 घंटे तक उसकी जो है लगेगा कि बस। अच्छा, थोड़ी सी कुछ कड़वी बातें भी मैं आज करना चाहूंगा जरूर, क्योंकि जो हकीकत है उसको एक्सेप्ट करेंगे। चाय अच्छी यहाँ क्यों नहीं मिल पा रही है? नहीं, असल चक्कर ये है कि वो उनके पास जो है ना गाय भैंस है, वो उसी टाइम दूध निकाल के ना वो चाय भी बनाते हैं, तो फ्रेश बनाते हैं आपको, फिर उसमें एक चीज ऐड करते हैं वो अदरक। जब हम लोग गए ठंड थी तो ऐड करते जो पर्सनली वो अदरक जो करते ना वो उसको बहुत ही उसमें समझे कि चाय का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और फिर वो कह रहे थे कि गर्मी के अंदर हम इलायची का यूज करते हैं, तो खैर गर्मी में तो हम नहीं थे, ठंड में थे हम, तो हमने जहाँ भी चाय पी, जहाँ भी जो भी लेते थे, तो जरूर दूध भी लेंगे ना तो उसमें भी वो अदरक डाल के। मेरा कहने का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं पाउडर का इस्तेमाल भी तो हो रहा है ना हमारे यहाँ, जो कि सच्चाई है। फर्क अगर दूध की बात की जाए, सिर्फ दूध इनके चाय के तो पाउडर डालते हैं, अपना एक दूध महंगा पड़ता होगा। हमारे यहाँ मेरे ख्याल में कड़क चाय लोग ज्यादा पीते हैं, जो पत्ती तेज वाली जो है वहाँ शायद थोड़ा, लेकिन दूध की जहाँ तक बात है तो अब भैंस तो दूध पानी वाला नहीं देगी ना, तो अब तो बात पानी से भी आगे जो है पाउडर तक आ गई। तो बहरहाल हो रहा है। और उसके अलावा आपको क्या, कौन सी चीज ने इम्प्रेस किया? आपने कहा कि यार ये चीज तो मतलब मैं देखे पाकिस्तान में अगर ये चीज होगी तो बहुत टाइम के बाद शायद कभी हो जाए, कि कौन सी ऐसी चीज आपको यार लगता है कि? मुझे तो ये ऐसा लगता है कि जब वहाँ गए तो हर चीज ही वहाँ की अच्छी लग रही थी और काफी तरक्की कर गए। अब तो हर चीज देखने से आप जब खुद जाएंगे तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि कितना फर्क है हमारी लाइफ में और वहाँ की लाइफ में। वहाँ की बहुत ज्यादा फर्क आ चुका है वहाँ के, वहाँ पर रहने और लोगों का ये कि सुबह तकरीबन 4 बजे उठ जाते हैं वो, और 7 बजे के बाद आपको वहाँ बहुत ज्यादा सन्नाटा नजर आएगा। 2 बजे के बाद तो लोग तकरीबन आपको नजर नहीं आएंगे, दुकानें वगैरह बंद हो जाती है, और फिर उसके बाद ये कि सब अपने घरों में चले जाते हैं, तो एक लाइफ स्टाइल का बिल्कुल चेंज है। और फिर सुबह उठते हैं सबसे पहले जो स्नान करते हैं नहाते हैं, और उसके बाद वो सीधा मंदिरों में चले जाते हैं, अपने मंदिर में पूजा करते हैं। सबसे पहले वहाँ पे मैंने देखा हमारी माएँ बहने बेटियों को बहुत अच्छा लगा कि सुबह सबसे पहले जितनी भी ठंड हो वो सबसे पहले नहाते हैं, स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद फिर पूजा करते हैं, फिर उसके बाद रसोई में जाके वो बनाते हैं और फिर वो नाश्ता करते हैं। तो ये चीज़ बहुत डिफरेंट मुझे लगी कि यार ये एक चीज़ मुझे देखे, क्योंकि हमारे मुँह से तो धुआं ही निकल रहे थे ठंड की वजह से, तो हम पानी को हाथ लगाते हुए मैं तो वो, हम तो यहाँ के रहने वाले जाहिर सी बात है, यहाँ तो आपको पता है कि हम नाश्ता ऐसे उठ के मुँह धोया, कुल्लू की ब्रश किया। रवि भाई एक चीज बताइएगा कि वहाँ पे जो है दुकानें वगैरह किस टाइम खुलती थी, मार्केटें वगैरह मोस्टली जहाँ भी आप गए हैं तो सुबह में? सुबह तकरीबन 8:30 से 9 बजे तक सब वो नाश्ते के लिए जब हम जाते थे बाहर तो तकरीबन 6 बजे जाते थे, हर चीज़ रेडी होती है। अब आपको अगर कुछ चीज़ खानी है तो बता के तो पराठा खाना है तो वो आपके सामने ही उसी टाइम आटा डाल के उसके लिए पनीर लगा। तो रवि भाई इतनी सुबह खामखा अपनी नींद खराब करके सवेरे दुकानें खोलने का फायदा क्या है यार? हमारे यहाँ देख लें 11-12 बजे हमारा तो हमारी लाइफ का और वहाँ की लाइफ का बहुत जमीन आसमान का डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन ये कि शॉप जो है वो तकरीबन 7:30 बजे बंद कर दे। मैं देखो थोड़ा सा बात ऐसी कर रहा हूँ कि आप लोग बोलेंगे यार क्या बात कर रहे हैं। बेसिकली रवि भाई से मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जल्दी दुकान खोलना अच्छा है या लेट आराम से 1-2 बजे? बहुत अच्छा लगा वहाँ की लाइफ में, देखो सुबह उठ, क्योंकि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, सबसे पहले सुबह उठना, फिर उसके बाद स्नान करना, पूजा पाठ करके वो तकरीबन 8:30 बजे निकलते हैं घर से, निकल जाते हैं 7:30 बजे जॉबों पे चले जाते हैं, उनका टाइमिंग ऐसी, फिर उसके बाद वो शाम को आ जाते थे 5:30-5 बजे सब आ जाते घर पे, फिर बैठा थोड़ा अच्छा ठंड थी तो वो क्या करते थे लकड़ियाँ जलाते थे, हम उस पर हाथ सेकते थे, और फिर चाय भी आ रही है तो कुछ उसके बाद खाना जो है वहाँ 7-7:30 बजे तक शाम का खाना खा लेते थे, उसके बाद फिर सारे बच्चे चाय पी ली तो पी बैठे बात करें, उसके बाद जाके सो जाना, फिर सुबह वही रूटीन को उठना। तो ये चीज़ें सब चीज़ बहुत सारा ग्रुप जो आया ये टाइमिंग है, यहाँ नहीं कि हमारे यहाँ तो शॉप जो है वो काफी लेट तक खुलती है। अच्छा जो लेट खुलती है ना वो फिर शिकायत करते कि यार ग्राहक हमारे नहीं आते सुबह में, यार कोई काम धंधे पे गया होता है तो शॉप पे कोई हमारे आते हैं, ये क्या वजह बात बहाना सही है? हम लोग गए वृंदावन में, गए ना वहाँ पूरी एक मार्केट थी जो हमारे मजहब के हिसाब से सारी सामान मिलता है, जैसे कि हम गए मंदिर हमारे जो पूजा का सामान है वहाँ मिल रहा था सारा समय के लिए, तो हमने उससे पूछा कि यार ये टाइमिंग का, बोले हमारे यहाँ जितने भी ग्राहक होते हैं ना हमारे कस्टमर जो है उनको टाइमिंग का पता होता है, उसमें सब आ जाते हैं, और शाम के टाइम 5 बजे के बाद जो आते हैं 7 बजे तक उनका टाइम होता है, ऑफिस वाले आ जाते हैं तो सीधा अपने आराम से कर लेते, 7:30 बजे वो तकरीबन दुकानें 8 बजे तक तो कन्फर्म पूरा बता रहा है। ये कराची में या बड़े शहरों में शायद इस तरह, छोटे शहरों में तो यहाँ भी हम जैसे मिट्टी साइड भी गए या इवन मेरा जो होम टाउन है लाड़काना, वहाँ तो जो है जल्दी जो है शॉप्स खुलती हैं और जल्दी बंद हो जाती है, मतलब जैसे ही सनसेट हो गया
अंधेरा हुआ तो जो है दुकान बंद, लेकिन कराची में थोड़ा सा इसके उलट है। लेकिन कामयाबी का राज इसी चीज़ में है कि सुबह सवेरे अगर आप जो है दुकानें खोलें, और यहाँ कुछ लोग तो हैं जो फजर में उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो भाई बहुत मज़ा आ रहा था देखने में, और ख़ास कर कि वो शौक हुए हैं देखकर कि इंडिया जो भारत है इतना आगे निकल चुका है। और जैसे ये कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत हुई है, और 5-6 साल के अंदर, 2-3 साल के अंदर ही देख लेना और कितना बदलाव आ जाएगा। फिर जब देखिए होगा ये कि इवेंचुअली 10 साल बाद जो है बहुत तेज़ी से इंडिया आगे बढ़ेगा। फिर यहाँ पे जो माइनॉरिटी हैं जिनके ऊपर इतनी एट्रोसिटीज़ होती हैं, इन लोग जब वहाँ जब जाएंगे तब नज़र आएगा माय गॉड कितनी ग्रेट प्रोग्रेसिव कंट्री है। और क्योंकि इंडिया इतना ज़बरदस्त प्रोग्रेस करेगा, इनके देश में भी थोड़ी रिस्पेक्ट आएगी एटलीस्ट ये उसके लिए कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए रिस्पेक्ट आएगी, क्योंकि वो देखेंगे साथ वाली कंट्री जो है, जो नॉन मुस्लिम कंट्री मेजॉरिटी जो है वो इतनी आगे प्रोग्रेसिव है, सेक्युलर कंट्री है जो इतनी आगे चली गई, वो देखो आपस में प्यार मोहब्बत से कहाँ कहाँ चले जाते हैं देश। और इनको खुद को देखना पड़ेगा जहाँ पे ये लोग सारी माइनॉरिटीज़ को क्रश करते हैं, इनका देश कितना डाउन जा रहा है। बिल्कुल, इनको ये समझ आएगा कि भाईचारे से कंट्रियाँ आगे बढ़ती हैं, और बहुत ही अपनी कट्टर अगर तुम हेटेड वाली सोच होगी किसी और रिलीजन्स के लिए तो उससे कंट्री डूबती है, जो उनको खुद का नजर आएगा। देख रहा है, उनको दिख रहा है अभी तो इनको ऑलमोस्ट थोड़ा लग रहा था कि बेटर है, ये है वो है, मगर 10 साल बाद इतना रेडिकल चेंज आएगा, इनको लगेगा ये पता नहीं हम कहाँ पे हैं, कितनी बढ़िया जगह पे हैं। नहीं, और साथ में उनको इतना धक्का लग रहा है, वो बता रहे हैं कि इंडिया में चीजें इतनी सस्ती हैं, और वही चीजें आप अगर पाकिस्तान में जाके उतने ही पैसे में खरीदोगे, वो कन्वर्ट करके भी देख रहे थे, तो कन्वर्ट करके भी उनको दिख रहा था कि इतने पैसे में आपको इतना अच्छा खाना, इतना बड़ा बढ़िया खाना नहीं मिलेगा। और दूध की भैया वो बोल रहे थे ना कि चाय क्यों नहीं हमारी बढ़िया बनती, उन्हें बोलना था, वो याद है ना टी वॉज फैंटास्टिक जो तुमने किया था, उसका ये नतीजा है कि वह चाय। और देखिए उनको एक और चीज नजर आएगी जब इंडिया में गए होंगे, हो सकता है बताए ना कि रिलीजियस फ्रीडम, वो तो बहुत बिना किसी फियर के सब अपने वो अपना रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, चाहे किसी का कोई भी रिलीजन हो, बिना किसी फियर के आराम से रिलीजन को फॉलो इंसान कर पा रहा है। अपने देश में आएंगे तो उनको छुप छुप के अपने रिलीजन को फॉलो करना पड़ता है। बिल्कुल, तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।